होम प्लान डिजाइन तो स्टार्ट करने के लिए पहले हमें इधर इसका कॉलम और उसके बाद इसका वॉल धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए हमें जितना कॉलम है पहले इसको सेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो बाहर का जो वॉल इसको भी हम देखिए सिंपल हाइट पर रखेंगे। तो उसके बाद हम फाइनल करेंगे इसका डिजाइन। तो देखिए इधर जितना कॉलम हमने ऐड किया है जस्ट एक आपके साथ प्रपोजल के थ्रू आइडिया शेयर किया है, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए इसके बाद अंदर का वॉल भी हम सेट करेंगे। तो इसको सेट कर दिया है। उसके बाद इधर 2 फीट 4 इंच का हाइट पे इधर एक ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर भी हम ऐसे सेट करेंगे इसका स्टेयर के एरिया। और स्टेयर के एरिया के बाद हमें इधर इसको लाइन को आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल डिजाइन इसका भी पार्टीशन वॉल जो था इधर 125 mm का पार्टीशन वॉल था। तो इसके लिए हमें जितना ड्राइंग पर वॉल और डोर चाहिए था हम इधर रेडी कर दिया है। और बाद में हम इसके अंदर देखिए इधर से इधर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इधर 7 फीट एंड डेप्थ 4 फीट 6 इंच ऐसे करके हम इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा विंडो बन जाए। और इधर देखिए इधर इसका डोर भी बन जाने का इधर ऐसे लाइन हम रेडी कर देंगे। तो ऐसे रेडी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो विंडो इधर हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमें इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करके सेट करना पड़ेगा इसका पोजीशन GLPL। उसके बाद देखिए हम विंडो इधर रेडी कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे तो हमने इस डिजाइन को बना दिया है। तो उसके बाद हमें और भी कुछ चीज़ें बनाना पड़ेगा जो है स्टेयर केस का रूम हेड रूम और स्टेयर केस कैसा दिखने को मिल जाएगा इसका फ्रंट एलिवेशन इसको फाइनल करने के बाद। तो उसको भी हम दिखाएंगे। थोड़ा सा हम इसको 75 mm का फ्रंट की तरफ इसको ऐसे खींच कर ले आएंगे ऐसे, ओके। इसको भी हम लेकर आएंगे। तो इसको भी हमने फाइनल कर दिया है। चलिए अभी हमें बाकी है इसका डिटेल्स भरना। इसके अंदर डोर विंडो सब कुछ इसके अंदर रेडी करना पड़ेगा। फाइनल 3D डिजाइन इधर हमने रेडी कर दिया है फर्नीचर ब्लॉक लेआउट के साथ। तो चलिए थोड़ा सा आपके साथ कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो रूम के अंदर आने के बाद देखिए कुछ ऐसे चीज हमें दिखाई देगा, 2 सोफा सेट। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको डाइनिंग कम किचन कम डाइनिंग एक रूम मिल जाएगा। और देखिए पीछे में 2 बेडरूम, उसके साथ 1 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम और 1 कॉमन टॉयलेट बाथरूम इधर एक स्टेयर केस, ठीक है। और फ्रंट में देखिए थोड़ा सा ओपन स्पेस रहेगा जहाँ जिधर आप थोड़ा सा बाइक स्पेस या आपका कुछ भी आप इधर रख सकते हैं। तो ओपन एरिया आपको चाहिए घर के अंदर और बाहर। तो इसके बाद देखिए हमारा जो फाइनल डिजाइन है इसे ही देखने को आपको मिल जाएगा। तो इधर कुछ देखिए हमें विंडो चाहिए तो उसको भी हम इधर सेट करेंगे। तो आपको फाइनल डिजाइन और भी अच्छे से दिखाई देगा। तो 3D डिजाइन कंप्लीट करके हमने रेडी कर दिया है। उसके बाद हमारा फाइनल 2D डिजाइन के ऊपर हम ऐसे फोकस करेंगे, ठीक है। तो मेन जो हमें बिल्डिंग एरिया 26, 28 और 30 फीट, देखिए इधर 2 बेडरूम हमें मिल रहा है 11 फीट 4 और इधर 12 फीट। नेक्स्ट और 1 बेडरूम 11 फीट और इधर 12 फीट, ओके। नेक्स्ट इधर मिल रहा है 4 फीट और इधर 4 फीट 7 इंच। नेक्स्ट इधर रहेगा 7 फीट 1 इंच और इधर रहेगा 7 फीट बाई 4 फीट, ओके। नेक्स्ट फाइनल करने के बाद इधर किचन डाइनिंग 12 फीट 9 बाई 7 फीट 11 इंच एंड नेक्स्ट 10 फीट 9 इंच और इधर 12 फीट 9 इंच ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के बाद हॉल रूम ड्राइंग हॉल रूम। तो देखिए इधर आप चाहे तो इसको इधर इतना तक आप ऐड कर सकते क्योंकि हमें इधर इसको नहीं चाहिए इस वॉल को, ठीक है। तो हमें बहुत सारा जगह मिल जाएगा। पूरा जगह कितना मिलेगा देखिए इसके बारे में आप भी बात करते हैं। तो 18 फीट 10 इंच बाई 12 फीट 9 इंच का एक सिंपल डिजाइन के साथ एक हॉल रूम,
उसके बाद 8 फीट 10 इंच एंड 7 फीट 8 इंच, इधर 3 फीट 3 फीट एंड इधर 3 फीट, ऐसे करके हमने ड्राइंग किया है। उसके बाद देखिए इधर 4 फीट और इधर 19 फीट 6 इंच, एक और चिड़िया आप इधर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखिए 28 बाई 30 टोटल स्क्वायर फीट के बारे में बात करें। 28 × 30 टोटल 840 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान डिजाइन। ओके, तो उसके बाद प्लान वाइज डिजाइन तो हमने कर दिया है, उसके बाद इसका खर्चा कितना आएगा, इसका कॉस्टिंग इंटू 1800 15 लाख 12,000 रुपीज आपको टोटल खर्चा आएगा। चलिए बाकी फ्रंट एलिवेशन तो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको डिजाइन मिल जाएगा। थोड़ा आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। तो आपको प्लान डिजाइन अगर पसंद आए, 3D पसंद आए, तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। हम जस्ट एक आइडिया आपके साथ शेयर किया है कैसे दिखाई दे सकते हैं डिजाइन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।